इसमें है ना टेक्निकल फीचर्स है। मेरी स्टडी अबाउट सनपैक, ये यूटीएल कंपनी है, दिल्ली गिरिज की बद्दी में असेंबली लाइन है, जस्ट लाइक माइक्रोटेक। ये ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स में ज़्यादा है, ग्रिड टाइड नहीं है। अभी इंडिया में ग्रिड टाइड नहीं है, पहली बात। अगर कोई कंपनी आज की डेट में बोल रही कि मैं ग्रिड टाइड बना रहा हूँ, जो है नहीं बन रहे, सब इन्वॉल्व होते हैं और अपना अपना टुकड़ा मार के भेज देते हैं। टेक्निकल फीचर्स क्या है इसके, अब ये देखो, मेंस लो कट ऑफ, चार्जिंग इन सिस्टम ऑन, 185 वोल्ट से 250 वोल्ट इन्होंने बताया हुआ है। नैरो रेंज एसी की है ये, ठीक है। और वाइड रेंज में यही होता, एसी मेंस के साथ बता रहा है ये। अब नीचे जो लोड चार्ट है ना, अगर ये मॉडल 1025 है, 15 एम्पीयर, 40 एम्पीयर चार्ज कंट्रोलर होता है इसमें। बस जैसे एमपीपीटी मैंने लिखा ना, ये एमपीपीटी नहीं है, छोटे इन्वर्टर्स में सिर्फ चार्ज कंट्रोलर होता है, सीसी। अगर उसकी कैपेसिटी 40 एम्पीयर है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 40 एम्पीयर? आपका एक पैनल 8 एम्पीयर दे सकता है 250 वाट का, तो 1 किलो वाट की कन्फिग्रेशन क्या होगी कि हमारी एम्पीयरेज हाई रहेगी डीसी की। अब कारण बता देता हूँ, डीसी की एम्पीयरेज हाई होनी चाहिए। एक जो नॉर्मल इन्वर्टर है ना, घर में जो होता है, ये उसके साथ बैटरी कनेक्टेड है, ये इन्वर्टर है, ये लोड है। और ये मेंस मिल गई इसमें। ये कैसे करता है, इसके अंदर क्या फंक्शनैलिटी होती है, इसके अंदर ये दोनों कन्वर्टर इनबिल्ट होते हैं। बैटरी से डीसी अप्लाइंस, ठीक है। और डीसी अप्लाइंस पे क्या, इसको इनपुट चाहिए, 12 वोल्ट की बैटरी है और मैक्सिमम चार्जिंग करंट 8 एम्पियर दे सकती है। कैपेसिटी होती है अलग बैटरी की, 8 एम्पियर से ज़्यादा दोगे बैटरी में ब्लास्ट हो सकता है। जो अच्छे इन्वर्टर्स हैं, अगेन कल वाली बात याद करना, जब मैंने कहा था कि आजकल एडवर्टीजमेंट ये आती है कि हम किसी भी बैटरी के साथ ये काम कर सकता है, तो ये चीज़ भी देखते हैं कि बैटरी की चार्जिंग करंट कितनी रिक्वायर्ड है, उसको क्रॉस नहीं करना होता उसमें। एक तो था कि बैटरी की जो मिनिमम वोल्टेज जो आनी चाहिए, जिस पे कट ऑफ मार दे या बीप साउंड दे दे, वो वैल्यू, और एक मैक्सिमम चार्जिंग करंट, इससे ज़्यादा ना दे। तो ये दो चीज़ें कंसिडर करता है जो अच्छे इन्वर्टर की कंपनी है। मार्केट में जो भी चल रहा है, पहली बात तो वो उनको स्पेसिफिकेशंस भेजते हैं कि ये आपने रखनी चाहिए अगर आप बैटरी बना रहे हो। अगर वो नहीं बना रहे तो वो रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, उसके हिसाब से अपने इन्वर्टर को डिज़ाइन करते हैं और अपने जो बफर वैल्यूज़ है ना उनको बढ़ा देते हैं, माइनस की और प्लस की। पहली चीज, अभी सोलर कहीं नहीं आ रहा है, नॉर्मल इन्वर्टर की वर्किंग आप समझ रहे हो। यहाँ पे आने के लिए मेन से इसने बिजली ली, एसी 220 वोल्ट कन्वर्ट किया 12 वोल्ट 8 एम्पियर पे, बैटरी को इनपुट दे दिया और ये चलाने के लिए बाईपास कर दिया एसी मेन्स को, राइट। अब सिचुएशन ये आई, ये कट ऑफ लग गया, लाइट चली गई। अब कौन सी कन्वर्जन की आवश्यकता है? डीसी पावर है, डीसी टू एसी होगा। डीसी टू एसी क्या होगा, लोड को क्या चाहिए, अराउंड 220 वोट एम्पीयरेज कितनी चाहिए, जितना लोड कनेक्टेड है, ठीक है। तो मेन कन्वर्जन जो होती है 12 वोल्ट से 220 वोल्ट डीसी की होती है, ठीक। हाई वोल्टेज दे दी और एसी में कन्वर्ट कर दिया उसको। जब कन्वर्ट हो गया है तो करंट जो होगा इसको लोड को रन कर देगा बैटरी के थ्रू। लेकिन अब आपने देखा होगा कि इन्वर्टर की एड में होता है pure sine wave output. Have you seen it? There is a friend of mine who was working in an LED company. He shared his experience with me. वो अब वो दिखाई देता हूँ आपको. We bought this LED जब LED start हुई थी market में, तो आप ये देखो ये है ना दो जगह पे लगी हुई है, एक washroom में और एक ऊपर. तो by chance की बात चल रही है, वरना उसमें ना friend ने मेरे इसका circuit क्या नहीं होता है, ये बस यहाँ से अटका हुआ निकालते हैं, खराब हुआ से तो देखो नहीं, अंदर का कुछ दिखाना है. इसमें सिर्फ दो equipment है, एक AC to DC और एक कैपेसिटर. ये जो ग्लो हो गया ना हाँ, you see this? AC मेंस की आप सप्लाई दे रहे हो इसको और यहाँ पे इसकी कन्वर्जन हो रही है DC में और ये कैपेसिटर है जो DC चार्ज स्टोर करता है. अब सेम कन्वर्जर्स है ना कि वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है क्योंकि ये डीसी अप्लायंस है एलईडी. ऐसे आपका जो बैटरी है ना वो डीसी अप्लायंस है. अब रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, डीसी टू एसी कन्वर्ट हो रहा है. तो एसी इज दिस एंड बैक, ठीक है. लेकिन जो इससे बनती है, अब आपने स्ट्रेट लाइन दे दी, अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे इसमें? जो पहली स्टेज होती है ना, जो नॉर्मली इन्वर्टर कंपनीज जो स्टार्ट होती है कि भाई हम भी इन्वर्टर बनाना शुरू करेंगे, इन्वेस्टमेंट होना उनके पास प्रेशर से, वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेक्टिफाइज खरीद के बस इसको है ना इस फॉर्म में ले आते हैं. इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर फॉर्म एसी बोलते हैं. तो आपने देखा होगा लाइट भागते हैं ना, पंखा तेज आवाज जाती है, आवाज तेज होती है, पंखा भी तेज होता है. वो कारण यही होता है, स्क्वायर फॉर्म डीसी ना एसी. इन्वर्टर ऐसे होते हैं हाँ, पंखा आवाज करेगा, साथ ही साथ पंखे की रोटेशनल स्पीड जो है ना, पावर वो बढ़ जाएगी उससे, ठीक है. नॉर्मल आप एसी पे चला रहे हो, जो वहाँ से आ रही है वो 220 वोल्ट है, 5 एम्पियर्स, ठीक है. जैसे ही लाइट भागती है वो एकदम से इतनी स्पीड में भागता है, क्या बोलोगे इसको क्या हो गया? ये तो भी अच्छा चल रहा था. जो इन्वर्टर के पास पावर है ना, स्टोर कैपेसिटी दैट इज मोर एंड दिस. तो रेक्टिफायर तो स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकता. रेक्टिफायर नहीं, जो सिस्टम्स होते हैं, इसका जो सर्किट होता है उसका कहना है वी विल नॉट गो टू डीप इलेक्ट्रॉनिक्स. लेकिन अच्छी कंपनीज क्या कर रही है, वो आपको एक्चुअली ये दे रही है डीसी टू एसी कन्वर्जन के बाद. ये मैंने क्यों दिखाई पता है? उस फ्रेंड ने मेरे को ये बताया एलईडी का भी कि जो ये है ना, ये चीपेस्ट इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ 15,000 में आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो एंड यू कैन मेक योर ओन एलईडीज. ये जो मोल्ड है ये बना हुआ आता है, ये बना हुआ है, 2 वायर लगी है इसमें छोटी सी, ये पीसी भी आप डिजाइन करवा सकते हो. सिर्फ 15,000 में आपका खुद का बिजनेस अपने घर से शुरू कहते. लेकिन एलईडी इज नॉट दिस एट प्रेजेंट. फिलिप्स ने एक रिवोल्यूशन लेके आए फिलिप्स इसके अंदर सुपर, कि उन्होंने ऐसी अब डायोड्स और रेक्टिफायर्स यूज किए हैं कि इसको है ना प्योर डीसी ही मिलती है, बिल्कुल प्योर. और वो सारी फ्लक्चुएशन जो है ना कि एसी बाई चांस चली गई थी 170 वोल्ट पे, तो इसको जो पावर या तो एकदम से नहीं मिलेगी या मिलेगी तो कम मिलेगी, वो सब उन्होंने हैंडल कर लिया. तो इसीलिए वॉरंटी 2-2 साल की नहीं, 5-5 साल की आने लगी है एलईडी के ऊपर, बिकॉज दे आर टेस्टेड एंड ट्रस्टेड, ठीक है. सेम इन्वर्टर्स का है जो यू हैव टू लर्न कि मेरे को कौन सा इन्वर्टर यूज़ करना है ताकि मेरे को ये दिक्कतें ना आए. अब आप एक चीज़ बताओ, किसी को इसको एसी साइन वेव चाहिए थी और मैं स्क्वायर फॉर्म दे रहा हूँ, इसकी लाइफ पे कुछ असर पड़ेगा? पड़ेगा, राइट. जो ट्रांसफार्मर होता है डीसी टू एसी करने वाला है। ट्रांसफॉर्मर से भी हो सकती है डीसी टू एसी, यू नो दिस। एक सिंगल वायर दी और इधर मल्टीपल वायर दे दी, तो जब इंडक्शन से वो पावर लेगा तो एसी की पावर लेगा। यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ चेंजिंग डीसी टू एसी। दूसरा प्रोसेस होता है ऑसिलेटर के थ्रू। यस सर, ऑसिलेटर। ठीक है, डीसी टू एसी कन्वर्जन। और अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपको आउटपुट लगता है कि इंप्रूव होगी। जो ट्रांसफॉर्मर ने ली वो प्योर एसी तो नहीं ली, स्क्वायर फॉर्म ही बनेगी उससे। अब उसको ऑसिलेटर को दे दिया आपने एज ए इनपुट। ऑसिलेटर ने क्या कर दिया उसका, और जो फ्रीक्वेंसी है वो इंप्रूव कर दी, एग्जैक्ट 50 ला दी जो आपको चाहिए। ठीक है, साइन वेव ऑफ आर। ऐसे ही और बहुत प्रोसेसेस हैं जिसके बाद आज की जो कंपनीज जो मार्केट में इन्वर्टर उतारी है ना, वो बेस्ट क्वालिटी आपको मिल रही है, जिसमें आपको पता ही नहीं लगेगा लाइट का कट हुआ है। आपका पंखा यूं ही चल रहा है, बिल्कुल यूं ही चलता रहेगा, उसको एक सेकंड का डिफरेंस नहीं महसूस होता। ठीक है, अब हम इस पे आ जाते हैं। सोलर आ गया इसके ऊपर, यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया सोलर को। हम कभी भी चार्ज कंट्रोलर सिंपल नहीं यूज करेंगे, हम सोलर इन्वर्टर यूज करेंगे। प्रायोरिटी हमेशा ये रहेगी। कस्टमर के पास बेशक से इन्वर्टर है, उसको सोलराइज करोगे ना, लाख दिक्कतें आएंगी, बिकॉज यू डोंट नो What power that inverter can handle। आप चार्ज कंट्रोलर के थ्रू उसको डीसी तो दे दोगे, लेकिन उस डीसी को अगर वो हैंडल ही नहीं कर सकता अच्छे से, इट इज नॉट ए गुड क्वालिटी इन्वर्टर। हाउ यू कैन मेक श्योर दैट कस्टमर विल नॉट फेस प्रॉब्लम्स? तो ट्राई कि कस्टमर को बोलो सिर्फ सिंपल सा है, एक सोलर इन्वर्टर ले लो जिसमें चार्ज कंट्रोलर इनबिल्ट होता है, और ये सारी फंक्शनैलिटीज होती है जो इस चार्ट में शो की गई है। जैसे ये सनपैक है, इसके अंदर हालांकि वो टेक्निकल वो दिखाया नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू द सेम। अब ये क्या करेगा, चार्ज कंट्रोलर उसके अंदर इनबिल्ट है 40 एम्पियर का, और हम पैरेलल कनेक्शन सीख रहे हैं कि वो कहाँ रिक्वायर्ड होता है। हमारे को इनपुट जो चाहिए ना, वो इसके आसपास होनी चाहिए, या इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम ही होनी चाहिए। रेंज मैंने बताया था हमेशा कम रखनी चाहिए। किसी भी चीज़ को वहाँ तक मत टेस्ट करो जहाँ उसकी कैपेबिलिटी है। अब ये मेरे पास है और ये है और 1 किलोवाट में मेरे को पता है 250 वाट के मैक्सिमम 4 ही बना दें, तो बना देंगे 40। हाँ, तो ये चारों पैरेलल में यूज़ करोगे आप सीरीज में। सीरीज में तो हम वोल्टेज करंट में कैसे ऐड होंगे, तो 85 से 40 हुआ, तो 40 निकला, 4 कर लिया, तो कारण समझ लेना इसका कारण क्या है। ये जो लगेंगे ना, ये वहाँ लगते हैं जहाँ पे ये ऑलमोस्ट नील होती है। तो जो इन्वर्टर की वर्किंग है ना, वो मैक्सिमम यहाँ से चल रही होती है बैटरी से। तो आपने डीसी की एम्पीरेज बढ़ानी है, यहाँ पे डीसी की एम्पीरेज बढ़ानी है। बैटरी के थ्रू पैरेलल होके, पैरेलल कनेक्शन होता है उसका बैटरी के साथ, उस डीसी पावर का। तो जब बैटरी के ऊपर पावर आ गई सोलर की, अभी इनबिल्ट है सारा सिस्टम, जब यहाँ पावर आ गई है डीसी की, करंट की मैं बात कर रहा हूँ, वोल्टेज की नहीं, और वो मेरे को पता है बैटरी कितना लेगी, 8 एम्पियर तो बैटरी खा जाएगी अपनी चार्जिंग के लिए। बचा कितना मेरे पास, 8 × 3 24 एम्पियर। उस 24 एम्पियर को कन्वर्ट करके लोड डायरेक्टली चल सकता है कि नहीं, क्योंकि ये ऑफ ग्रिड एप्लीकेशन है। अब समझ में आएगा ऑफ ग्रिड में पैरेलल क्यों करना है। बैटरी को, बैटरी के पॉइंट पे पैरेलल में इन्वर्टर को पावर एक्स्ट्रा देती है। एनी कंफ्यूजन? अच्छा, हमारे पास, अच्छा कस्टमर ने बताया कि भाई अब मैं रियल लाइफ सिनेरियो बता रहा हूँ। कस्टमर बता भाई एक ये पंखा है, एक वो कूलर है, देख ले 3-4 ये LED है और एक मेरा फ्रिज चल रहा है, अभी नया लिया मैंने 5 स्टार रेटिंग का है, 60 वाट का है। कितने का सोल्यूशन दोगे आप उसको? लिखो भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है? लिखो लिस्ट में, लिस्ट में फर्स्ट आइटम बता देना, पेजेस और मिल जाएंगे, ठीक है? लिस्ट में फर्स्ट आइटम है फैन, उसके नीचे लिखो सेकंड आइटम फाइनलिटीज। मैं उसके वोल्टेज बता रहा हूं 55 लिखो। देखो नंबर 1 फैन इज इक्वल्स टू 55, ठीक है? उसके बाद नंबर 2 कूलर, वाटर कूलर नहीं सॉरी डेजर्ट कूलर। हां डेजर्ट कूलर की वोल्टेज है मेरी 300 वाट, ठीक है? डेजर्ट कूलर इज इक्वल्स टू 300 वाट। दो मेरे पास है पंखे, सीलिंग फैन, 60 वाट each, so 2 into 60. This is what I am telling, but this is what you need to know yourself. ठीक है, ठीक है, मैं देखो देखो लोड चार्ट का ना, ऑलवेज जब भी आप लोड चार्ट कभी भी कहीं पे भी बनाएंगे, और ये लोड चार्ट बनाना जो समझ लीजिए आपको वैल्यूज रटी हुई होनी चाहिए। जो हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं जितने भी, You should know the voltage of each and every one. अब आप बोलोगे सर ये तो 1000 तरह के हैं, पता नहीं क्या क्या कस्टमर इस्तेमाल करता है। Then what you are doing? आप देखो कब यूज होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ यूसेज। फर्स्ट विच ऑलवेज रन्स इज फैन, ठीक है? इट्स बेड बेड यू कैन से, ठीक है? The very first thing that you have, that you will ask is sir फैन कितने हैं, ठीक है? बंदे के घर पे फैन कितने हैं? 2 into नंबर ऑफ वॉटेज, दिस इज 60, 120 होगा, ठीक है? ऐसे ही लिखना है, हाउ यू विल राइट द लिस्ट। अदरवाइज कभी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्या उसमें लगे रहोगे कैलकुलेटर में, बट यू नॉट अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर रहा हूँ। सेकंड LED बल्ब कितने हैं भाई? 5 बल्ब है मेरे घर पे 10 वाट वाले, ठीक है? 50 हो गया। नंबर 3 व्हाट वाज द नेक्स्ट वन सर? डेजर्ट कूलर, ठीक है? 300 वाट कूलर एक है भाई मेरा 300 वाट का, ठीक है? 300 वाट हो गया। और एक फ्रिज, ठीक है? और फिर ये चौथा आ गया फ्रिज आ गया, ठीक है? फ्रिज का यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रिज कौन सा वाला फ्रिज, डबल डोर फ्रिज, सिंगल डोर फ्रिज, उसके 200 लीटर्स, ठीक है? और स्टार रेटिंग देनी, और स्टार रेटिंग। यूजुअली क्या होता है कस्टमर को नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता उसको भी, बोले भाई वो एवरेज है, मतलब फ्रिज है सर भाई कंपनी सैमसंग है, LG है, ना उसको रेटिंग का पता है, ना उसको वोल्टेज का पता है। हाँ दिख जाएगा सामने तो ये बताएगा भाई दो डबल डोर का है, ठीक है? दैट इज ऑल। सो आप यहाँ पे लीटर लिखेंगे, जैसे आपने लिखा 200 लीटर वाला है मेरा, ठीक है? एक है इंटू सर कितनी होगी वोल्टेज इसकी? 265 होगी ना फ्रिज की 200 लीटर वाली, ठीक है? आजकल सारे 110 वाट वाले ना, चलो 110 वाट्स। अब ये बोल के कस्टमर ने लास्ट में कह दिया एक वॉशिंग मशीन हो रहा है भाई, वो चल जाए तो, लेकिन वो कभी कभी चलाऊंगा मैं। हाँ और वैसे तो वाइफ नहीं आती है, मैं तो जॉब पे चला जाता हूँ, तो बाद में ये सोच रहा हूँ ये चीज़ें बंद हो जाएंगी, ये चालू रहेगा फ्रिज और वॉशिंग मशीन चल जाएगी। और वॉशिंग मशीन का पता है क्या होता है? 660 वाट की। बिल्कुल 660 वाट लिखो यहाँ पे, ठीक है? लेकिन ये हर बार नहीं चलने वाली। अब आप उसको सॉल्यूशन दोगे, ठीक है? एक है इसको 660 वाट हो गई, ठीक है? लेकिन हम टोटल इसका लेके चलेंगे। अब इनका टोटलिंग कर दो, ठीक है? 14 0 0 0 6 7 और 3 10 और 5 14 और 2 17 1 1 7 6 और 7 8 और 9 9 7 8। करेक्ट है मेरी टोटल कितनी होगी? 1240 होगी। हाँ 3 कैलकुलेट करना होगा, ओके 1240 है टोटल। लेकिन आप ध्यान रखना कि ये जो लोड है ना इसको कंसीडर नहीं करना। ये लोड कैसे चलेगा आपका? सुबह चलेगा ये लोड ज़्यादातर, ठीक है? ज़्यादातर लेडीज़ कपड़े सुबह धोती हैं, और ये चलता है कम से कम भी 2 घंटे के लिए। आप ये ना वो कहेगी 15-20 मिनट चलनी होती है, आधा घंटा 1 घंटा कुछ नहीं। जब ये चलने लगती है ना 2 घंटे हो जाते हैं आराम से, क्योंकि हमने अपने घर में प्रैक्टिकली देखा है। ठीक है, अपनी मम्मी से पूछ लेना मम्मी वॉशिंग मशीन कितने समय तक, कपड़े कितने बजे तक धोते हो, ये पूछना। क्योंकि क्या होता है ना, एक बार प्लग में लगा के ऑन करके छोड़ देते हैं और जो चीज हाँ कंटिन्यूस चलती रहती है वो बंद हो गई तब भी वो कुछ करंट ड्रॉ कर रही है उसमें से। इट इज नॉट कि अगर वो वॉशिंग मशीन घूम नहीं रही है तो वो करंट नहीं ले रही है। ठीक है, स्टैंड बाय मोड में भी हमेशा कुछ ना कुछ वोल्टेज लेता रहता है। अगर जो आपने टीवी देखा आपने और टीवी आपने सिर्फ रिमोट से बंद कर दिया और स्विच बंद नहीं किया, वो रेड कलर की एक लाइट जलती रहती है टीवी, दैट मींस इट इज स्टैंड बाय मोड। और वो इंफ्रारेड से चेक करता रहता है कोई सिग्नल तो नहीं आ रहा। हाँ, जैसे ही आपका रिमोट का सिग्नल मिलेगा ना तो फटाक से ऑन हो जाता है। लेकिन अगर जो आप ऊपर से बंद कर दो और तब ऑन करो, टाइम का फर्क देखना कितने, 25% ऑफ पावर इट इज यूजिंग एट दैट टाइम। there is a difference of at least 3 seconds। आप रिमोट से ऑन करो वो 1 सेकंड में ऑन होगा, आप पीछे से ऑन करो तब देखो, यू विल फाइंड 3 seconds of लैग। वो 3 सेकंड के लैग को क्लियर करने के लिए वो इतनी वोल्टेज यूज करता रहता है हमेशा। सीधा रहो, सो ये अपना आ गया 12। अब हम उसको सॉल्यूशन देंगे। सर now as a company how you need to make the customer understand। आप है ना जब डिजाइन करोगे सिस्टम को, इसको हमने टर्म दे दी वर्चुअल लोड वॉशिंग मशीन, इट इज नॉट ए परमानेंट लोड। और आपको इसकी डेफिनेशन भी समझानी है कि सर वी आर डिजाइनिंग द प्लांट बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कभी भी ये मत कर लेना ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है। जब ये चल रहा है ना तो ये सब बंद है, ये तो क्योंकि 24 आवर्स का है, इसमें कस्टमर आपको आवर्स नहीं बता सकता। अब प्लांट की डिजाइनिंग बताता हूँ कैसे होती है, इसको एक टाइम के लिए भूल जाना, अवॉइड इट। हमारे पास ये लोड बसता है 410 और 50 और 570 होगा 580। ठीक है, ये लोड है हमारा। अब आप इससे पूछो ये कितने घंटे चलेगा, ये 2 पंखे हैं बताओ कितने घंटे चलेंगे। अब कस्टमर बताते हैं कि भाई घंटे, अब देख रहे दिन में तो परमानेंट है, रात को एक तो 24 घंटे मान लो और एक कभी कभी चलेगा। 2 पंखे बताए थे ना उसने, तो 120 वॉट इनटू 24 उसको ले लो और 12 उसके ले लो। थर्टी सिक्स आवर्स चलेगा ये लोड। लेकिन हमने एक दिन की बात करनी है तो कितना चलेगा, एक चल रहा है 24 घंटे और एक चल रहा है 12 घंटे, इन टोटलिटी कितना चल रहा है ये टोटल लोड। 60 वॉट इंटू 24 प्लस 60 वॉट इंटू 12, ठीक है, 1 घंटे का निकला है आपका। ये ऐसे है 120 नहीं 120 सर 60 इंटू 24 ये एक पंखा हो गया अपना, 60 इंटू 12 ये दूसरा पंखा हो गया। ये जल्दी कैलकुलेट करके बताओ कितना। एलईडी बल्ब मेरे उसने बताए 1270 और 720 ये कितना है, ये सर 1440 और 720 600। ठीक है, 600 12 5 60 और ये 300 रह जाएगा। इसमें ये कितना चलेगा, गर्मियों में चलेगा दिन में चलेगा, ठीक है, 6 घंटे करो, ठीक है 12 घंटे करो। भाई वाटर कूलर है 24 घंटे काम होता है। इसके पास एक बार बिजली आएगी ना उसको ये नहीं समझा सकते, बंद कर दो इसको। हां तो ऑन रहेगा, कंसीडर करो इसको ऑन रहेगा ये गर्मियों के सीजन में। और 12 26 नहीं 12 घंटे मान लीजिए, इसी जमाने में और इसका टोटल वोल्टेज करो, टोटल करो इनका वोल्टेज इसका 6360 I am testing whatever you are telling 6360 ठीक है। अब इंजीनियरिंग क्या कहती है, ये आपके पास आ गया टोटल वॉट आवर, इतनी बिजली चाहिए आपको ये सारे लोड को इतने समय तक चलाने के लिए। यूनिट क्या होती है, यूनिट को हम बोलते हैं एक यूनिट बिजली। तो इसको kWh में करने के लिए डिवाइड बाय 1000 ये हो गया सर 6.360 यूनिट 6.3। इतनी यूनिट बिजली है ना मेरे को चाहिए ही चाहिए उस कस्टमर के लिए एक दिन में। अब आ जाना लिमिटेशन पे, 1 किलोवाट कितने बना सकता है, 5 किलोवाट 5 यूनिट 4.5 यही एवरेज देनी है ठीक है। लेकिन वो बना सकता है साल की एवरेज पे, क्या ये लोड पूरे साल चलेगा, वही ना 6 महीने मैक्सिमम। उसके बाद क्या लोड चलेगा, अब आ गया वर्चुअल लोड का फंक्शनलिटी। ये कस्टमर को सारी चीजें समझानी आपने एज ए गुड कंपनी, तभी उसका ट्रस्ट बनेगा कि हाँ जो चीज़ मेरी लगी है वो क्या कर रही है। आपकी रिक्वायरमेंट है ये, यू कैन प्रोड्यूस एट मैक्स 4.5, ये हो सकता है कि गर्मियों में 6.3 के आसपास ही बन रही हो, जो कि मैंने देखा है कि हाँ बनती है। और जब सर्दियाँ आएंगी ये चली जाएगी 2 पे 3 पे, लेकिन जो एवरेज चल रही होती है ना गर्मियों की वो 6 यूनिट के आसपास होती है। 5.8 देखी है मैंने जो एवरेज है, तो ऑलमोस्ट हैंडल हो रहा है ये लोड कस्टमर का 1 किलोवाट में। यू कैन सेटिस्फाई है, फिर भी उसको लिमिटेशन बता के आओगे सर लिमिट तो थी 4.5 की, लेकिन क्योंकि पीक सीजन है ये तो अराउंड 6 बनेगी। आप एक काम कर लेना, जो ये एलईडी का लोड है ना 600 वाट 0.6 यूनिट जो बिजली खाएगी दिन में बंद कर देना। ये जो लोड है ना एक पंखे का जो आप बोल रहे हो कि कभी कभी चलेगा, तो ये कभी कभी चलाना 12 घंटे की हमने कैलकुलेशन करी है, क्योंकि इसमें लॉसेज भी होते हैं सिस्टम में। आपकी डीसी की वायर कितनी लंबी लगी है, 10 मीटर से लंबी होगी तो उसमें लॉसेज शुरू ठीक है। ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी है। और एक और बात, जो भी इन्वर्टर बैटरी रखे हुए हैं वो कस्टमर ने अपनी सुविधा के हिसाब से रखे हुए हैं, ना कि ये देखते हुए कि भाई आपको कैसे सुविधा लगेगी। कस्टमर विल नेवर एग्री टू योर कंडीशन की सर ऊपर छत है, छत में जो मूर्ति लगा रखे ना वही लगा दो इन्वर्टर, कभी मत लगाना, हम नहीं लगाते। आप मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको इसकी टेक्निकलिटी नहीं पता, आपको सिर्फ ये पता है ये जनरेट नहीं करेगा तो आपने मेरा सिर फोड़ना है। लेकिन मेरे को ये पता है जनरेट करेगा या नहीं तो आप सिर पहले ही फोड़ दो, समझ रहे हो। कस्टमर को पहले ही बता दो, जब आपको दिख जाए ना वहाँ लगना भाई, तीसरी यहाँ से चढ़ते जाओ, इसमें से धीरे धीरे चढ़ो ऊपर चढ़ो, और जो वो वाला कमरा है ना जिसमें तुम सोते उस कमरे की छत पे लगना है। और इन्वर्टर कहाँ रखा हुआ है, नीचे स्टेयरकेस है ना, अंदर घुसते स्टेयरकेस वहाँ नीचे रखा हुआ है। ऐसी साइड पहले देखिए मैंने लगाया। और अब सुनो मार्केट सिनेरियो क्या है। व्हेन वी स्टार्टेड अराउंड 4 साल हो गए यहाँ, तो जब हमने स्टार्ट किया था ना तब सिनेरियो ये था कि हमें ना कस्टमर को कमाना पड़ता था। आज कस्टमर मार्केट में घूम रहे हैं लगवाने के लिए, लेकिन कोई नॉलेज वाला बंदा नहीं मिलता, बस लगा के चले जाते हैं और वो जूझता रहता है वो प्रॉब्लम से, गालियाँ बकता रहता बैठा बैठा, यार ये पंखा और करते बोल गए इन्वर्टर। नॉर्मली ये बात करेगा कस्टमर, बताओ एक पंखा और ऑन कर दिया ये बोल गए इन्वर्टर इनका वो क्या होगा। अगर तो कस्टमर को पता भी होगा ना तो पता है क्या होगा। देखो एक और सिनेरियो होता है कि उस बंदे को ये कैलकुलेशन नहीं आती, ये कैलकुलेशन नहीं आती उसको, ही डज नॉट नो एवरीथिंग, लॉसेस नहीं पता उसको। वो क्या करेगा ना, बोलेगा उसने पहले कहीं से सीखा है कहीं से देखा है। थंब रूल्स पे चलते हैं लोग, थंब रूल्स पे क्या भाई 500 वाट लगा दिया ना जी, 2 पंखे चलेंगे और 2 ट्यूबलाइट चलेंगे, इससे ज़्यादा चलाओगे मेरी जिम्मेदारी नहीं है। 8 थाले चला जाएगा वो लगा के, बोलेगा भाई 2 पंखे 2 ट्यूबलाइट इसका घड़ा चलाया मैंने निवेरा वाला, 8 थाले चला जाएगा। अब कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, वो बोला जाता है थोड़ी तो फ्लेक्सिबिलिटी दो मुझे कहीं पे कुछ करने की, मैं अगर जो अपने एक पंखा बंद कर दूँ मुझे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दो कि मेरे 3 6 घंटे ना सही 3 घंटे तो मेरा कूलर चल जाए दिन दोपहर में, वो फ्लेक्सिबिलिटी कब आएगी? जब उस इंजीनियर को जिसने लगाया है उसको ये पता हो कि कैलकुलेशन करते समय अगर तो मैं थोड़ा सा मार्जिन रखूँ ना 10% का, 10% का इसी में अगर मैं यहाँ पे 10% ऐड कर दूँ और उसको बोलूँ कि सर अगर इतने 10% ऐड कर लो, उस हिसाब से बैटरी रख लो, उधर में आपकी कोई दिक्कत नहीं है। पर वो रिडल रूम है ही नहीं कस्टमर के पास, वो तो बोल गया पत्थर की नकली कर गया दो, मतलब दो, उससे आगे है ही नहीं। अब कस्टमर बेचारा घर में मरता है। और अब जिसने सोलर लगा लिया ना उसकी मेंटेलिटी ऐसी होती है चलने दे भाई, अपनी तो बिजली हमारी है ना, तो बैठे नहीं खुद ही हो जाती है। जब पता होता ना यार बिजली मेरी बनती है, मेरा तो कभी सिस्टम बोला नहीं, लेकिन वो तभी होता जब इट इज डिजाइंड एज पर स्पेसिफिकेशन एंड परफेक्टली। दिस सिस्टम ऑफ 2 किलोवाट इज डिजाइंड एंड द पावर इज बीइंग यूज्ड एंड कंट्रोल्ड। इससे ज़्यादा ना तो पावर देगा और ना हम ड्रेन करेंगे। तो जब आप कस्टमर को समझाने का आएगा ना सर आपका लोड तो ये बोल रहा है और हमारी जनरेशन इतनी है एवरेज साल की, तो वो अपने आप समझ जाएगा हाँ मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं इसको यूज़ करते हुए, मेरे को ये सारी इकट्ठी ऑन नहीं करनी इसके ऊपर। और बहुत सारे मुलर आदमी भी है फेयर के फायदा हो रहा है तो इस हमें लगाना पड़ेगा। अगर ये लोड है अगर कस्टमर ये बोला ना कि ये तो चलेगा ही चलेगा भाई, ये तो मैंने बताया ना, फिर आप 2 किलोवाट पे ले जाओ उसको और फिर ये बोल देना इसको बढ़ाना नहीं लेकिन ये कितना ही चलाओ, हाँ ये कितना ही चलाओ, इसको बढ़ाना नहीं लेकिन ये कितना ही चलाओ, 2 किलोवाट लगा दो, 1.5 में भी चल सकता है। सर कस्टमर पहले से जो बैटरी यूज कर रहा है लेकिन 2 में फिर ये भी आ गया। ये 6.3 वाट है सर, यूनिट है पर डे वाट यहाँ पे बनी थी सर, वाट यहाँ बनी थी, ये जो आई थी ना ये वाट थी, ये वाट है कितने वाट है इस पंखे के पीछे लिखा हुआ है ये 55 वाट का है। और जब वाट आवर आ जाती है ना तो वो जब घंटे पता चल जाते हैं कि ये लोड कितना चलेगा तो वाट आवर निकालता है। अब वाट आवर को आपने कन्वर्ट करना किलोवाट आवर, क्योंकि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो डिवाइड बाई 1000 कर दो तो ये यूनिट आ गई, इतनी यूनिट बिजली खाएगा ये लोड चलेगा। आगे समझ में अच्छा, कॉन्फिडेंस आया नहीं कुछ नॉलेज में, खड़े हो गए एक बार ताली मार। पहले से बैटरी यूज कर रहा है तो इस पे आएंगे, इसको वही कन्वर्ट करेंगे ना, इसको वही कन्वर्ट करेंगे। अभी तो ये था कि भाई हमने वाट आवर निकाल लिया, यूनिट निकाल लिया, अब पैनल पे तो डिसाइड करोगे, इन्वर्टर पे डिसाइड करोगे, बैटरी पे डिसाइड होगी, सब कुछ होगी, वो कैसे लगेंगे वो सब कुछ होगा।